हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्प में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की, और जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट MCQs और फैक्ट। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा बुशहर का शासक। बुशहर के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी थी। अगर हम बुशहर के शासक की बात करें तो उस समय जो है बुशहर के शासक जो है राजा शमशेर सिंह थे। राजा शमशेर सिंह जो है 1850 ईस्वी में अपने पिता मोहिंदर सिंह के बाद जो है राजा बने, और 1887 में जो है इन्होंने अपने इकलौते पुत्र रघुनाथ सिंह के लिए जो है गद्दी त्यागी। लेकिन जो है 1890 में जो है इनके पुत्र रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है इनकी दूसरी पत्नी के पुत्र पदम सिंह 1914 में जो है राजा बने। राजा पदम सिंह के दो पुत्र हैं, राजा बीरभद्र सिंह और देवेंद्र सिंह। राजा बीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में हुई थी। तो देखिए, उस समय केंद्र में अंग्रेजों की सत्ता को हिलाने के लिए कोई भी नेतृत्व नहीं था, कोई भी संगठित समूह नहीं था। इस क्रांति में जो है सैन्य वर्ग से लेकर आम जनता ने भाग लिया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित राजसी मुखियों में से कौन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ रहा? तो देखिए, 1857 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के साथ जो है राम सिंह रहे। राम सिंह जो है नूरपुर के जो है सरदार थे। तो देखिए, नूरपुर जो है इसमें जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन था? तो देखिए, धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता भागमल सोटा था। धामी त्रासदी या धामी गोलीकांड जो है 1939 को हुआ था। 1939 को श्री सीताराम के नेतृत्व में धामी प्रजामंडल धामी के राजा दलीप सिंह के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रस्तुत हुआ था। तो उनकी जो प्रमुख मांगे थी, बेगार प्रथा का खात्मा, भूमि राजस्व में कमी, धामी प्रजामंडल को मान्यता। लेकिन वहाँ के राणा दलीप सिंह ने जो है इन सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 16 जुलाई 1939 को भागमल सोटा के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला प्रतिनिधित्व मंडल राजा के समक्ष अपनी मांगों को लेकर गया, और इन्होंने जो है अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने इन लोगों पर गोली चलाई और 2 लोग मारे गए। इनके प्रमुख नेता भागमल सोटा को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से ये जो है धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट धामी गोलीकांड के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी। इस मंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, इस मंडल के जो पहले अध्यक्ष पंडित पद्मदेव थे। हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना जो है दिसंबर 1939 को की गई थी। इनका प्रमुख नारा था, भाई दो ना पाई। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो देखिए, इन्होंने जो है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना की थी। भाई दो ना पाई किसका नारा था? तो देखिए, ये जो है प्रजामंडल का नारा था। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहाँ हुई थी? तो देखिए, इनकी शहादत जो है शिमला में हुई थी। हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो देखिए, इसका मुख्यालय जो है शिमला में स्थित था। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व जो है पंडित पद्मदेव ने किया था। तो देखिए, ये सत्याग्रह जो है 1948 को हुआ था। तो ये सत्याग्रह जो है सुकेत रियासत को जो है भारत में विलय के लिए किया गया था।
1914-15 में हुआ मंडी षड्यंत्र मुख्यतः किससे प्रभावित था? तो देखिए ये जो है गद्दर पार्टी से प्रभावित था। यदि हम 1914 और 15 में हुए मंडी षड्यंत्र की बात करें तो इसके होने के जो है प्रमुख कारण थे वजीर उपाध्याय जीवानंद के प्रशासन से उत्पन्न निराशा। दूसरा कारण था गद्दर पार्टी के कुछ लोग जो है अमेरिका से वापिस आकर पंजाब में क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे। शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो देखिए शिमला से जो है राजकुमारी अमृत कौर ने भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। राजकुमारी अमृत कौर जो है हिमाचल प्रदेश से प्रथम लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं और ये जो है देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष स्वामी पूर्वानंद थे। 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? 1914 और 15 के जो है प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व मियां जवाहर सिंह ने किया था। ठियोग रियासत में पहली उत्तराधिकारी सरकार 15 अगस्त 1947 को बनी थी। इसका प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो देखिए इसके जो है प्रथम प्रधानमंत्री सूरत राम प्रकाश बने थे। हिमालय पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसका गठन जो है 1946 को किया गया था। हिमालय पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद ने जो है 1948 को हिमाचल प्रदेश में जो एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया था और जो है उसका मुख्यालय जो है शिमला में था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आने वाले समय में जो है हम इसी प्रकार से इस चैनल पर हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।